हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। वी आर हियर एट द डे टू पुणे। कौन है भैया ये? इधर तो देखो, गाड़ी चलाओ। बड़ी गाड़ी के मालिक। पैसा ही पैसा। मालिक, मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड। टिप प्लीज, पार्किंग के लिए टिप दे दो गाइस। जल्दी जल्दी, हजार की पत्ती नहीं, हजार सॉरी, हजार तो 2000। भाई तुम ये गाड़ी चलाते हो और तुम्हारे पास छुट्टे नहीं है। Anyways, welcome to the vlog, guys. I hope you guys are all doing great. Day two. तो एक चीज बता क्रॉन्टन, ऐसी गाड़ी का मेंटेनेंस क्या जाता है? अभी तक दी नहीं मेंटेनेंस। तो भी कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 10-15,000। इससे तो ज्यादा ही जाएगा। नहीं नहीं लगता मेरे को। यूज़ ही क्या है, कितना घूमी है। अरे पर बात वो आ जाती है ना, पर बात वही आ जाती है ना कि इस तरह की गाड़ी का अगर खरीद ले तो उसकी मेंटेनेंस कितनी भारी पड़ जाती है। वो तो है, कोई ना कार्डिंग कर लेंगे। अक्सर इस तरह को शूट को लेकर पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? आपके कपड़ों को लेकर आती है। हर 10 सेकंड के शॉट के लिए आपको कपड़े चेंज करके आने पड़ते हैं। चड्डी बनियान सब चेंज कर, चड्डी भी चेंज करने पड़ते हैं। खोपड़ी तोड़ साले। अक्सर इस तरह के शूट को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपके कपड़ों को लेकर। हर 10 सेकंड और 15 सेकंड के शॉट के लिए आपको फिर से कपड़े चेंज करके आने पड़ते हैं। मेरा ऑलरेडी, मैं दूसरी बार कपड़े चेंज करके आया। पहले व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, पर मेरे को बोला गया कि रेड कलर की टी शर्ट पहनूं। एंड वो सीन क्रॉन्टन के साथ भी होने वाला है। क्रॉन्टन अभी तो पहली बार पहने यूजुअली, अभी इसके बाद फिर चेंज। पता नहीं, होगा तो होगा, वरना निकाल के रख देंगे साइड। कोई बात नहीं, लेकर आया कि नहीं आया कपड़े तू? हाँ भाई, ऑब्वियसली नहीं, अभी तो नहीं लेके आया। तेरा दिक्कत नहीं है ना, मेरा एक्चुअल में दिक्कत ये है क्योंकि मैं सूरत से आया हूँ तो मैं लिमिटेड क्लोथ्स ही लेकर आया हूँ, और अगर कम पड़े तो मेरे को शायद एक या दो टी शर्ट और खरीदनी पड़ जाए। इसका तो क्या, इसका तो घर है इधर, फिट नहीं आएगी। तेरा साइज देखा है? 36C। साले तेरे से कम तो नहीं है। हट्टा कट्टा है तू, मैं वैसा बोल रहा हूँ। मैं ये हूँ परफेक्ट, परफेक्ट यू नो। ना परफेक्ट तो ना है किसी एंगल से। है क्या गाइस, कमेंट में बता दो। क्रॉन्टन करना क्या कर रहा था? निकल ही नहीं रहा है यार, इधर लॉक आगे होता है। वैसे वैसे मैं बता दूं, ये गाड़ी इसी की है। इससे डोर नहीं खोला जा रहा है। रुक रुक रुक, कैसे बाहर निकलूं मैं? खुल क्यों नहीं रहा है? ऐसे खुल। ओ भाई, दिमाग ओपी। फाइनली क्रॉन्टन अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए दरवाजा खोल के। पब्लिक ये फीचर देखो। फिर से बटन दबाया। ओ, ऑटोमेटिक लाइट कम करने के लिए नेट भाई, और अंदर भी चले जाते पूरे भाई। वाओ, क्या इसे पैसे की ताकत बोली जा सकती है? क्रॉन्टन दिखा वो फीचर जल्दी से, बूम बम कर, पैसे की ताकत दिखा तेरी। ये क्या है भाई, इसमें ये स्मोकी के लिए है, स्मोकी एग्जी। अरे ओपन सर, सर। 2 hours later. व्लॉग रिएक्शन प्लीज, कैसा लग रहा है? देख कैसा, झूठ नहीं बोलेगा तू, पहली बार गाड़ी स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है ठीक है इस गाड़ी का। प्लीज टू द कैमरा भाई, फट तो रही है मेरी, बट गाइस ट्राई ट्राई। कौन सा गाना चल रहा है दिमाग में? दिमाग में लग गए धक धक करने लगा। नहीं ये तो नहीं, ओ मोहजियारा डरने लगा। चुप बैठ। कौन सा कोई तो गाना होगा। गाना है कि मेरे को, तेरे को देख के मेरी फट रही है। चल मैं चलाऊं ये दबा के। सुनो, ड्राइव ड्राइव मोड आ गया। चलो ओके लेट्स गो। ऐसे नहीं, देख के कितने की भाई, देख के 80-90 lakh की गाड़ी है, थोड़ा सोच समझ के ब्रो, पहली बार चला रहा है ऊपर से। चले लगा दो। अबे चश्मा तो पहन लेता। किधर चश्मा? चश्मा इसका चश्मा दो। अरे इसको दो।
हाँ ठीक है, चश्मा तो दो। मेरे पास क्या है? चश्मा किधर है? तेरी मेरी गाड़ी चल रही है। अमर, तूने पहले चलाई है कि नहीं गाड़ी? ये हाँ घूमगा मैं कभी भी। क्या कर? और तेरा भाई पहली बार चला रहा है। अमर सुनना, देख ये स्टीयरिंग सीधा हो गया ना, अब सीधा है। एयर बैग बोले तो सीधा। हाँ सही ना, स्टीयरिंग छोड़ देना तो अपना पावर स्टीयरिंग से सीधा हो ही जाएगा। टोटल 2475। रुक रुक रुक, इंडिकेटर किधर है? ओए इंडिकेटर, इंडिकेटर किधर है? असल में चालू थे वो तो वाइपर था। हाँ भाई लेफ्ट साइड इंडिकेटर, रुक रुक इंडिकेटर ये बंद हो गया। हाँ अरे ये ऑसम सा ऑसम फुटेज मिल रहा है यार एकदम। इंडिकेटर कहाँ है पूछ रहा है? हाँ हो गया, चलो डर लगा लो, 1 2 3। गाइस इससे हमें एक ही सीख मिलती है, पैसा है तो कुछ भी नहीं खरीद लेने का। जस्ट ए क्विक टेक, अभी ऑलरेडी शॉट ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं हम लोग वो शूट करते करते। एंड अभी थोड़े लास्ट के 2 या 3 शॉट्स और बाकी हैं, उसके लिए ऑलरेडी क्लोथ्स मैंने चेंज कर लिए जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में कि मतलब जो कपड़ों को लेके मगजमारी होती है वो ही सबसे ज़्यादा होती है, क्लोथ सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और लकीली मेरे पास है सारे क्लोथ्स, सो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। अभी हम लास्ट शॉट के लोकेशन के लिए जा रहे हैं, एंड आई विल सी यू गाइस ओवर देयर नाउ। बॉयज वी आर हियर एट द लास्ट शूट लोकेशन। भाई अगर मैं जगह के बारे में बताओ, क्या जगह है ये? हिल टाउन। हिल टाउन, ओके। पुणे में हिल टाउन एरिया है, वहाँ पे हम लोग आए। ये हमारा आखिरी शूट लोकेशन होने वाला है आउटडोर का, बाकी उसके बाद जितना भी शूट है सब कुछ इंडोर है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्लेस भाई, और मैं किस टाइम पे आया हूँ, एक्चुअली मेरे को इधर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वेट लेट मी शो यू गाइस। आई डोंट नो कितने लोग देख पा रहे हैं। मैं एक्चुअल में अपना GoPro है ना यार बूट कैंप पे भूल आया, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था अभी इतना बाहर जाना पड़ेगा मुझे। बट पता नहीं अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। अगर वहाँ पे देखोगे ना एकदम एक्सट्रीम, वहाँ पे जहाँ पे ये पहाड़ ख़त्म हो रहा है बीच पे गैप है, वो पूरा पुणे सिटी है यार, वो पूरा पुणे सिटी है। और आपको पूरा ऊपर से वो दिख सकता है, लिटरली मेरे को मेरी आँखों से पूरा पुणे सिटी दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है वो, बट द व्यू इज टोटली वर्थ इट, टोटली अमेजिंग भाई। एक कैरी सबसे बड़ा बहन। अभी अपन होटल में बैठे थे क्रॉन्टन के साथ, एक फनी सा सीन हुआ जो कि अपन व्लॉग में दिखाने जा रहे हैं। भाई क्रॉन्टन दिखा 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 दिखा, नंबर भी दिखा उसका। गाइस पढ़ो ये देखो, अपने फैन लोग देखो गाइस, नंबर भी दिखा उसका। हेलो क्रॉन्टन सर, बिग फैन सर, गिव मी वन चांस टू प्ले विद यू सर प्लीज। कॉल बिगेस्ट फैन सर, कॉल। हेलो सर बिगेस्ट फैन सर, फिर ये देख ठीक है, बिगेस्ट फैन। और ये देखो, और फ्यू मोमेंट लेटर वो कितनी तारीख से कर रहे हो मैसेज तेरे को? 7 दिन से। कल रात को मैं ब्लॉग ख़त्म करना भूल गया, ऑलरेडी जो अपने हिल टॉप वाला शूट देखा था उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू था क्रॉन्टन के साथ। तो जो हिल टॉप वाला शूट था वो लगभग 7 बजे के आसपास ख़त्म हुआ, उसके बाद इंटरव्यू के अंदर लगभग 5 या 6 घंटे लग गए थे। तो मैं 1:30 बजे के आसपास फ्री हुआ, उसके बाद सीधा इंटरव्यू की लोकेशन से बूट कैंप जाके सो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था कि मेरे पे व्लॉग ख़त्म करने तक का हिम्मत नहीं था। फिर अभी सुबह उठे हैं, अभी शूट के लिए मुझे जस्ट निकलना है, इसलिए मैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर चैनल के ऊपर नए आए हो, क्योंकि इसके बाद बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। डिसलाइक का बटन दबा सकते हो अगर आपको ये ब्लॉग किसी की वजह से पसंद नहीं आया। कमेंट सेक्शन में बता दो कि ब्लॉग के अंदर क्या कमी रह गई। विद दैट ऑल सेड मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, मिलूंगा एक नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरी वन, एंड डू वॉट एवर यू गाइस वॉन्ट टू डू, जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ। पीस।